कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची में 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद अब भाजपा की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन दूसरी सूची में भाजपा में कोई महिला चेहरा नजर नहीं आया। वहीं महिलाओं को इस चुनाव में मौका देने में भाजपा की तुलना में कांग्रेस आगे दिखी। कांग्रेस ने जहां अपनी पहली सूची में जयपुर शहर से पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और नागौर से ज्योति मिर्धा और साथ ही दौसा से सविता मीणा को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं भाजपा ने अब तक घोषित 19 सीटों के प्रत्याशियों में एक भी महिला को मौका नहीं दिया। और आलम यह रहा कि झुंझुनू सीट पर मौजूदा महिला सांसद संतोष अहलावत का भी टिकट काट दिया गया। अब भाजपा को 6 सीटों पर नाम का ऐलान करना है, लेकिन इनमें से राजसमंद, दौसा और भरतपुर लोकसभा ही वो सीट है जहां संभावित चेहरों में महिला प्रत्याशी के नाम सामने आ सकते हैं। राजसमंद सीट पर दिया कुमारी, दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रेम प्रकाश हुडला और साथ ही गोलमा देवी का नाम चर्चाओं में है। भरतपुर सीट पर नीतू बनावत ने भाजपा से दावेदारी जताई है। अब देखना यह होगा कि भाजपा बची हुई शेष 6 सीटों पर आखिर कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवारों के नाम घोषित करती है। बीजेपी और पिछली बार कांग्रेस के पास कोई टिकट दिया ही नहीं था, पिछली बार हमने दिया था, विधायकों में भी हमने टिकट दिए हैं। अब लेकिन फिर भी जीतने की गणित भी देखते हैं, सामाजिक इक्वेशन भी देखते हैं, ये देखकर और टिकट का निर्धारण होता है, क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मांग क्या है ये भी देखना होता है, उसके अनुसार अभी भी हमारी कुछ सीट बची हैं, हो सकता है उसमें कोई महिला प्रत्याशी को स्थान मिल जाए। देखिए, कांग्रेस की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को देखने के लिए लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो उनकी टॉप मोस्ट लिस्ट में दिख रही है। यहाँ विषय ये नहीं है कि किसी को टिकट दिया गया, यहाँ तो जब पूरी पार्टी का नेतृत्व ही एक से दूसरे पीढ़ी को दे दिया गया है तो बाकी सारे विषय तो गौण हो जाते हैं, क्योंकि एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आज हम 2019 में हैं और आज से 100 साल पहले 1920 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 100 साल से एक ही परिवार को बाय एंड लार्ज यानी सामान्यतः मोटे तौर पर पार्टी का नेतृत्व मिलता हुआ चला आ रहा है, और जब कभी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व गया है तो कांग्रेस पार्टी विभाजित हुई है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस इस समय भारत ही नहीं विश्व में शायद सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक डायनेस्टी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।